वहीं रायपुर के फाफाडी चौक स्थित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के सिर पर हथौड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर काउंटर से रुपए लूट कर फरार होने वाले आरोपी को अभिषेक यादव को रायपुर एसईसीयू व गंज थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि डेढ़ माह पूर्व उसके पास रुपए समाप्त होने पर उसने अपने परिचित से पैसे की मांग करते हुए ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक याला प्रकाश के क्यूआर कोड का फोटो खींचकर भेजा, जहां से 3,000 रुपए भेजे जाने की पुष्टि होने पर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक याला प्रकाश ने पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिससे आरोपी अभिषेक यादव खुन्नस रखे हुए था और 23 अगस्त को मौका मिलते ही उसने ग्राहक सेवा केंद्र में घुसकर फोटोकॉपी कराने के बहाने हथौड़ी से संचालक याला प्रकाश के सिर पर 3 बार वार कर गंभीर रूप से घायल करने के बाद काउंटर में रुपए लूट कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट की रकम 38,510 रुपए, हथौड़ी, ग्लव्स और बैग को जब्त कर लिया है।